सीआईसीयू की तैयारी में जुटा स्वास्थ्य विभाग, कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए संवेदनशील बताई जा रही है। इससे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी शुरू कर दी है। जिला अस्पताल में पीआईसीयू की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीआईसीयू में जिला स्तर पर 10 बेड बनाए जा रहे हैं। 10 स्टेप डाउन की व्यवस्था की गई है। अस्पताल प्रबंधन ने के संजय ईश्वर ने बताया कि पीआईसीयू वार्ड की शुरू करने की तैयारियां हैं। अस्पताल में 400 बेड हैं और सभी बेडों पर ऑक्सीजन पॉइंट की व्यवस्था की गई है। इसमें कुछ पर ऑक्सीजन सिलेंडर, कुछ पर ऑक्सीजन मशीन लगाई गई हैं। वर्तमान में 130 बेड ऑक्सीजन बेड हैं। देखते हुए अपन ने कुछ स्पेशल वार्ड तैयार कराया जा रहा है, उसके विषय में क्या बताएंगे? शासन से आधुनिक पीआईसीयू का निर्माण कराया जा रहा है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा कार्य कराया जा रहा है। उसमें 10 बेड पीआईसीयू के अति आधुनिक तरीके से तैयार हो गए हैं, जैसा कि अपना कोविड एसटीयू बना था उसी जैसे। और 10 स्टेप डाउन पीआईसीयू के वार्ड ही है, चिल्ड्रन वार्ड के रूप में रहेंगे, उनका कार्य कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त टोटल 130 ऑक्सीजन पॉइंट की स्थापना की जा रही है, जो अलग अलग परिसर में है, जिससे कि लगभग पूरा अस्पताल बेड ऑक्सीजन युक्त होंगे। कुछ कंसंट्रेटर वाले, बाकी सब टोटल कितने बेड होंगे अपने पास ऑक्सीजन से इन ऑल? अपने टोटल 400 बेड हैं हॉस्पिटल में स्वीकृत, तो ये मान के चलें कि 400 बेड ही ऑक्सीजन युक्त होंगे। कुछ अपने सिलेंडर बेसिस पे होंगे, कुछ ऑक्सीजन कंसंट्रेटर पे होंगे, बाकी ऑक्सीजन पॉइंट पे 150 ऑक्सीजन पॉइंट पहले स्थापित हो चुके हैं, 130 अभी होने वाले हैं, और पहले से 70 पॉइंट अपने पहले से ऑक्सीजन वाले हैं।